बिग बॉस सीजन 13 यानी कि बहुत ज्यादा टेढ़ा इस सीजन जो कि टेढ़ा है और वो उसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टेढ़ा होने के बावजूद भी इसको फैंस का बहुत प्यार मिला। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के वीकेंड का वार के बारे में। आपको बताएंगे कि किस तरीके से वीकेंड का वार पर सलमान खान शो पर आए और इस बार किसकी कैसे क्लास लगाई। वैसे अगर आपने शो देखा है तो क्लास तो लगाई नहीं, लेकिन घर के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, जहां पर बिग बॉस के घर में सलमान खान ने कई चीज़ों को सही तो कई चीज़ों को गलत ठहराया। बहरहाल आपको बता दें कि क्या क्या हुआ घर के अंदर। जहां घर के अंदर पास्ता चुरा के खाने की वजह से जो विशाल हैं और रश्मि हैं उन्हें बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और कन्फेशन रूम में बुलाकर उन्हें कहते हैं कि जो भी चीज़ आपने की है आप साफ साफ बताएं। तो कहते हैं कि हमने पास्ता खाया, हमें ऑलरेडी पता था कि इसका कुछ दुष्परिणाम होगा। तो बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि दुष्परिणाम स्वरूप अब तुम्हें सभी घर वालों को ये बताना है कि उन्हें लग्जरी बजट देना पड़ेगा, और लग्जरी बजट नहीं दिया तो इसका सीधा असर किस पे पड़ने वाला है? राशन पर। और घर में राशन बहुत ज़रूरी है भैया, घर में रह रहे हैं 10-12 लोग तो उन्हें खाना तो चाहिए, और खाना चाहिए क्योंकि खाना तो ज़रूरी होता है ना भाई, तो खाना तो चाहिए। तो अब यहाँ पर कन्विंस करने के लिए रश्मि और आ जाते हैं विशाल। तो विशाल सीधी सीधी कह देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ और पारस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सब कहते हैं कि चार पास्ता खाया शुरुआत से ही। हम ये देख रहे हैं, देखो शुरुआत के जो चार हफ्ते थे जो कि पहला फिनाले हुआ था वहाँ पर बिग बॉस ना इतने स्ट्रिक्ट नज़र नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही चार हफ्ते निकले ना उसके बाद बिग बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। बिग बॉस हो गए क्योंकि पहले इंग्लिश बोलने पर भी इतनी ज़्यादा कुकड़ुकू नहीं बचता था, हिंदी बोलने और हिंदी बोलने के लिए इतना नहीं कहा जाता था, सोने पर इतना कुकड़ुकू नहीं बचता था, लेकिन अब जब से घर में कैप्टन सी के जो दौर आए हैं उसके बाद से ही घर में कुकड़ुकू बनने लगा। और मतलब क्योंकि डिसिप्लिन आ चुका था घर के अंदर और सब ये लोग ये जानते थे कि लग्जरी बजट जो है वो जाएगा। अब यहाँ पर विशाल और रश्मि का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई बात नहीं, हमने गलती कर दी है, और विशाल ने सॉरी भी बोला है कि भाई मैंने गलती करी है, मैं मानता हूँ और मुझे पता था दुर्परिणाम हो सकता है और एक गलती मैंने जानबूझकर करी है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला हाइपर हो जाते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला जैसा हर बार की तरह हाइपर होते हैं तो वह अभी भी वैसे हाइपर हैं, लेकिन इस बार बहुत लॉजिकली उन्होंने अपने आप को समझा दिया हाइपर क्यों हो रहे हैं वो। और दूसरी तरफ विशाल भी लॉजिकली सही थे क्योंकि दोनों को अगर तराजू में तोला जाए तो लगभग बराबर सा आ जाएगा। अब लेट नाइट क्रेविंग्स होती है तो और हिम्मत नहीं होती बनाने की, अगर आप अकेले रहते हैं फैमिली से दूर रहते हैं तो आपको पता होगा लेट नाइट क्रेविंग्स का क्या सीन रहता है। तो कई बार भूख लग जाती है तो आप किचन में पहुंच जाते हैं खाने के लिए, अगर कुछ बना बनाया रखा होता है तो चाहे ठंडा हो गर्म हो आप खा लेते हैं, और अगर पास्ता जैसी चीज़ रखी हो तो आप पक्का खा लेंगे क्योंकि इतनी रात को उठ के कौन क्या बनाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने खा लिया, उस टाइम तो ये सोचा कि देखा जाएगा जो होगा, लेकिन बाद में अब देखा तो कैसे जाएगा भैया, बिग बॉस तो दंड देंगे ही ना, और बिग बॉस ने दंड दिया भी। लेकिन सिद्धार्थ और पारस को अब बुरा इसलिए लग रहा था जहाँ पर पारस ने पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दिया कि तू मेरा दोस्त है तो तुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ ने जिस तरीके से बताया कि दो टीमें लड़ रही हैं, एक टीम विक्ट्री करती है और एक टीम को मेडल मिलता है, तो आप क्या उनका मेडल छीन लोगे? सलमान ने भी यही बात बोली, तो मेडल छीन तो नहीं सकते, लेकिन एज इन लग्जरी बजट उनका मेडल ही तो था, उनकी विक्ट्री ट्रॉफी थी जो उन्हें पूरे हफ्ते चलानी थी। यहाँ पर विशाल ने क्या किया, उनकी विक्ट्री ट्रॉफी छीन ली, विक्ट्री ट्रॉफी ही चुरा ली, तो उन्होंने चोर बोला, कई चीज़ें बोली, लेकिन विशाल घर के अंदर, विशाल की बेस्ट चीज़ ये है, विशाल बिल्कुल भी अब्यूजिव नहीं होते हैं। विशाल जो हैं वो घर के अंदर आते हैं, मतलब किसी से बात करते हैं वो सबसे आप करके बात करते हैं, वो उनका लहजा काफ़ी अच्छा है बात करने का, और सबसे इज्जत से बात करते हैं, और वो कोई ने गाली गलौज भी करता है तो वो उन्हें समझाते रहते हैं कि आप गाली मत दीजिए, चाहे वो कितने भी गुस्से में हो वो आप नहीं छोड़ते। जैसे शेफाली जरीवाला भी एक दायरे में रहती हैं, चाहे वो कुछ भी कर रही हों, किससे भी लड़ रही हों, तो वो सबको आप करके ही संबोधित करती हैं, यानी उसी तरीके से बोलते हैं। तो विशाल भी इसी तरीके से बात करते हुए नज़र आए सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला एक बार हाइपर हो जाते हैं ना, किसी की भी नहीं सुनते, अपने आप की भी नहीं सुनते, उसके बाद फिर उन्हें टॉन्ट करना होता है। जहाँ रश्मि कहती है कि चार पास्ता खाया है, गलती हो गई भाई,
लेकिन रश्मि के कैरेक्टर तक बात आ जाती है। आज सुबह से रश्मि ट्रेंड भी कर रही है ट्विटर पर, अगर आपने देखा होगा तो। स्टे स्ट्रॉन्ग रश्मि। रश्मि घर के अंदर बहुत बहुत कम नज़र आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आती हैं, लेकिन जब भी वो नज़र आती हैं तो वो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से ही नज़र आती हैं। और घर के अंदर सलमान खान ने अगर सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस का टैग दिया, बिग बॉस के अंदर सलमान खान ने उन्हें राजा का टैग दिया ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ कर दिया है, क्योंकि राजा का टैग उन पर सूट करता है। और एज एन इतना बड़ा बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाई, भैया कैप्टन बने, तो एज एन सबने उनको राजा चुना भी है, लेकिन अब कैप्टनसी का जो काम है वो तो उन्हें करना था, इस वजह से उन्होंने लग्जरी बजट अलग भी रखा था। और चुराना बिल्कुल भी सही नहीं था, और इन लोगों ने चुरा कर बहुत बड़ी गलती की। दूसरी ओर सलमान खान ने घर के अंदर एक टास्क दिया जो था हाथी का, वज़ीर का, और इन सब प्यादों का, मतलब सबको बताना था कि कौन सा क्या प्यादा है, सिद्धार्थ शुक्ला को बताना था, राजा तो वो खुद है ही। अब यहाँ पर जो हाथी हैं वो सेनाज बनती हैं, पारस ऊंट बनते हैं, वजीर बनते हैं विशाल अपने, और इन्हीं के साथ हिंदुस्तानी भाव अपने बनते हैं प्यादे। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें घोड़ा बनती हैं कौन? रश्मि। सबके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं आंसर, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत है। आसिम को पहले प्यादे का टैग देने के लिए जो बातें कही गई थी वो भी गलत थी, क्योंकि आसिम घर के अंदर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल अगर राजा जो हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला हैं तो वज़ीर आसिम को होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर एज इन वो सिंगल मैन आर्मी, चाहे वो एडवाइसर ना हो राजा के, लेकिन उन्होंने अपने कंधे पर इतना सब कुछ उठा रखा है कि तख्ता वो पलट सकते हैं। जस्ट बिकॉज पारस अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं तो ये कोई वो नहीं है कि भाई पारस की वजह से उन्हें सुनना पड़ेगा या कहना पड़ेगा, जो कि आज कॉलर ऑफ द वीक ने भी कहा कि जो पारस हैं उनके कहे पर चल रहे हैं, आसिम को आप जहाँ चेला कहते थे तो आप खुद चेले बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात जस्टिफाई भी करती है। क्योंकि कई चीज़ें हुई है घर के अंदर जो इस चीज़ों को मतलब बयां करती है। पारस जो उन्होंने बताया जब कैप्टनसी डिसाइड हुई थी उसके बाद पारस बैठकर बता रहे थे सिद्धार्थ को किसे कौन सी ड्यूटी दी जानी चाहिए, उस टाइम पर लग रहा था कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं पारस से इन्फ्लुएंस ज़रूर हो रहे हैं, और लग रहा था बाहर देखने पर। इसके अलावा घर के अंदर जो कैप्टनसी के अलावा घर में आसिम का जो टॉपिक था, जो पारस ने आसिम को काफ़ी बुरा भला कहा था, तो सलमान खान को उस बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहिए था पारस को, लेकिन आसिम को जो जिस तरीके से फेवर नहीं किया गया, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो शायद सलमान को लगा कि आसिम ने इस चीज़ को बहुत बहुत अच्छे से टैकल किया, और इसी वजह से शायद सलमान खान ने इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि आसिम ने इस चीज़ को इतना अच्छे से टैकल किया था कि इस चीज़ को उन्होंने वहीं पर उन्हीं के तरीके से सॉल्व कर दिया था, क्योंकि पारस ने काफ़ी बुरा भला कहा था आसिम को। अब घर के अंदर एक और टास्क होता है जिसका नाम है शुभारंभ टास्क। तो घर में शुभारंभ टास्क आपको हमने पहले ही बता दिया था कि शुभारंभ टास्क के दौरान क्या क्या हुआ। तो आसिम को फिर से सेनाज टारगेट करती हुई नज़र आती हैं, कभी पारस टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। अब सहनाज के आसिम के साथ इक्वेशंस क्या हैं ये नहीं पता, लेकिन सहनाज को लगता है कि आसिम पिंच करते हैं सामने से आके। 40% ये सही भी है, क्योंकि आसिम कई बार करते भी हैं, लेकिन 60% ये सही नहीं है। और घर के अंदर ज़्यादातर लोग एक दूसरे को पिंच करते ही रहते हैं, लेकिन आसिम शायद ही पिंच करते हैं। और घर के अंदर जैसा कि बात हुई कि वज़ीर का जो तगमा है वो देना चाहिए था आसिम को, तो आसिम मेरे हिसाब से भी वज़ीर का तगमा रखने लायक है विशाल की वजह, क्योंकि विशाल घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री आए, लेकिन शुरुआत के दो दिन तो लगा था फटेंगे, उसके बाद बहुत स्लो सा हो गया सब कुछ उनका। और शुभारंभ टास्क के दौरान भी ये चीज़ें देखने को मिली कि आसिम को फिर से टारगेट किया जा रहा है। आसिम घर के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के दिखे हैं, और इस हफ्ते उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें की हैं, काफ़ी अच्छे रहे, टास्क किया, घर का काम किया, शांति से सब कुछ हुआ भी है, और सिद्धार्थ शुक्ला को भी वो चीज़ें समझाते हुए नज़र आए हैं। अब सिद्धार्थ शुक्ला इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे। घर के अंदर आज एविक्शन का टाइम है और एक जन एविक्ट होने वाला है। यहाँ पर पारस और माहिरा का नाम लेते हैं सलमान खान, जहाँ पर पारस और माहिरा का नाम लेते ही दोनों बौखला जाते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम इतना दिख रहे हैं, फिर भी हम लोग एविक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या मतलब है भाई। अब भाई आप चाहे दिखो ना दिखो, आप एक चीज़ तो देखो कि घर के अंदर जो भी नॉमिनेटेड है लगभग सभी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट टाइप ही हैं, और
उसके अंदर आप बॉटम टू में आए हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ तो गलत कर रहे होगे इन सब से, जिस वजह से आपको इतने कम वोट्स मिले हैं। आप कहीं ना कहीं तो नेगेटिव दिख ही रहे होगे, तो आप क्या जनता से तो बगावत नहीं कर सकते ना। आप बगावत करो भाई बिग बॉस के घर में, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे भी बनोगे आप, तो बगावत जनता से क्यों कर रहे हो कि लालच है शो पर। ये सब बोलने वाली बातें नहीं है, ये सब नहीं कह सकते आप, क्योंकि शो आपको बना रहा है। पारस छाबड़ा को स्प्लिट जिला से कौन जानता था, 80% जनता नहीं जानती थी, बिग बॉस से बहुत लोग जानते हैं, इतना TRP आ रहा है शो का तो ज़्यादा लोग जानते हैं, तो पारस को कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचनी चाहिए। लेकिन अभी कोई नहीं हो रहा, आज घर से पारस का नाम लेकर सलमान खान टांग खींचते नज़र आते हैं, अभी कोई नहीं होता। देवोलीना हालांकि घर से बाहर आ जाएंगे अब, क्योंकि उनको बैक इंजरी है, कि उनकी लोअर बैक में L2 और L3 के अंदर दिक्कत है, जिस वजह से घर में उन्हें रहने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर ने उन्हें डायग्नोस किया है और बताया है कि काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उन्हें थोड़ा सा रिकवरी का टाइम चाहिए, लेकिन जैसे वो रिकवर होती हैं घर में वापस आती हैं। उनकी हल्की सी एग्जिट हुई है, उनका एविक्शन नहीं हुआ है, उन्हें शो से निकाला नहीं है। इसके अलावा 5 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया भैया बिग बॉस को, तो घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होंगी, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में हमें मधुरिमा तुल्ली देखने को मिलेंगी, तो वहीं जो बग्गा हैं शिवाली बग्गा अपनी घर के अंदर जो रह चुकी थी वो हो सकती हैं, और अरहान खान। अब इनका घर में कमबैक होता है तो दोस्तों बहुत शानदार रहने वाला है कमबैक। कितने एक्साइटेड हैं आप बिग बॉस के अगले एपिसोड के लिए, हमें कमेंट करके बताएं। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यही मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।